तो हेलो गाइज, अगर आपका ICICI बैंक मोबाइल बैंकिंग UPI ID ब्लॉकेड दिखा रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा भी UPI ID ब्लॉक कर दिया था, पेमेंट रिसीव हो रहा था लेकिन सेंड मनी करने का टाइम ब्लॉकेड दिखा रहा था मेरा UPI ID। तो अभी तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल 1000 यहाँ पे शो हो रहा है। उसका नीचे पहले आप देख सकते हैं कितने बार पैसा फेल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा UPI ID ब्लॉक कर दिया था। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1000 सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है UPI ID से, जो पहले नहीं हो रहा था। तो बात है UPI ID ब्लॉक कैसे होता है। पहला रीजन, मान के चलो आप किसी को पैसा भेज रहे हैं और जिसको पैसा भेज रहे हैं अगर बैंक को लगता है ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है तो इस केस में आपका UPI ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक साथ में ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करने में भी आपका UPI ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बात है आप UPI ID को अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो UPI ID अनब्लॉक करने के लिए आपको पहले ICICI कस्टमर केयर में आपको फ़ोन करना होगा। तो नंबर को नोट कर लीजिए, टोल फ्री नंबर है ये 1800 1080। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको डायल करना है, मैं आपको कॉल कनेक्ट करके दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ICICI बैंक फोन बैंकिंग। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। तो हिंदी के लिए 2 दबाइए। प्रिय ग्राहक, आपकी सुविधा के लिए हमने प्रस्तुत किया है एक वॉइस असिस्टेंट। कृपया कुछ ही शब्दों में हमें बताएं कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा, मैं फोन बैंकिंग ऑफिसर के साथ बात करना चाहता हूँ। फोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करने के लिए कृपया मुझको ये बताएं कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या लोन। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा बैंक अकाउंट। ओके, तो कृपया मुझको बताएं कि आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा फोन बैंकिंग ऑफिसर के साथ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बैंक अकाउंट मेन्यू से कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ आप उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं या फोन बैंकिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं। प्रिय ग्राहक, आप अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड को करें। अपने डेबिट कार्ड के लिए ATM पिन जनरेट यानी उत्पन्न करने के लिए 0 दबाएं। पिछले 5 लेन देन के विवरण की जानकारी के लिए 1 दबाएं। ईमेल द्वारा स्टेटमेंट का अनुरोध करने के लिए 2 दबाएं। अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID जानने के लिए 3 दबाएं। चेकबुक के निवेदन के लिए 4 दबाएं। प्रेस 5 टू मैनेज योर डेबिट कार्ड लिमिट्स। कस्टमर सर्विस एसोसिएट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो आपको 9 दबाना होगा। कृपया अपना 16 अंकों का डेबिट कार्ड या 12 अंकों का खाता क्रमांक दर्ज करें। तो यहाँ पे आपका प्रूफ के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर या आपका डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। प्रिय ग्राहक, कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुरुज, योर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, हाउ मे आई हेल्प यू मंडल। तो यहाँ पे मेरा आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बोला मेरा UPI ID ब्लॉक दिखा रहा है, अनब्लॉक कर दीजिए। जैसे कि समझ पाए आप UPI माध्यम से ट्रांजेक्शन लाइक आपको मिल रहा है लेकिन आप नहीं भेज पा रहे हैं, इस क्वेरी के लिए क्या पहली बार कॉल कर रहे हैं सर? आप निश्चिंत रहिए सर, इसी कॉल पे जितना जल्दी हो सके आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड हमें उम्मीद है कॉल कनेक्ट होने में आपको परेशानी नहीं हुआ सर। तो रिक्वेस्ट देने के बाद इंस्टेंट आपका UPI ID अनब्लॉक हो जाएगा और आप पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। इनिशिएट करने के लिए कोशिश कीजिए, मैं लाइन पे वेट करता हूं सर। 1 रुपए का ट्रांजैक्शन भी आप